टीला रोड स्थित सांवरिया टेक के पास ऑनलाइन व स्टेशनरी दुकान से रात्रि में चोरों ने दुकान में रखी मकान में पीछे से चढ़कर चोरी कर ले गए हैं। जानकारी के अनुसार बता दें कि दुकान संचालक संकेत लोधी पुत्र बाबूलाल लोधी ने बताया कि रात में मकान पर कोई नहीं था। सुबह 5:30 बजे के लगभग आया और ताला तोड़कर अंदर गया तो सामान बिखरा पड़ा था। दुकान में जाकर देखा तो लैपटॉप व अन्य सामान नहीं था। दूसरे कमरे में गया जिसमें हमारा बक्सा और अलमारी रखी थी, उसमें भी सामान फैला पड़ा था और 40,000 रुपए नगद रखे वो भी नहीं मिले। पुलिस को सूचना दी, मौके पर पुलिस पहुंची और बताया कि रात में अज्ञात चोर मकान के पीछे से चढ़कर जीने के रास्ते अंदर पहुंचे और दुकान में रखा लैपटॉप परचून का सामान 40,000 नकदी 1.5 लाख रुपए चोरी होना बताया है। चोर बैग में सामान भरकर ले जा रहे थे लेकिन भारी होने के कारण छत पर छोड़ गए हैं। पुलिस की गिरफ्त से चोर काफी दूर हैं। वहीं हैंडपंप नगर में आए दिन चोरियां हो रही हैं लेकिन एक भी चोरी का पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। चोरी की घटनाओं में इजाफा होना नशा इसका मुख्य कारण है। नगर और गांवों में खुलेआम स्मैक बेचा जा रहा है इसलिए चोरियां ज्यादा हो रही हैं। पुलिस ने दुकान संचालक से आवेदन लेकर चलता कर दिया। क्या नाम है? संकेत लोधी। चोरी कैसे हुई आपकी? छत पे से आया, कुछ सामान दुकान की तारे वगैरह तोड़ दी, लैपटॉप वगैरह और सामान पूरा ले गया वो। और नगदी 40,000 रुपए नगदी थे और कुछ यानी खुले खा रही थी। दुकान का सामान? दुकान का सामान लैपटॉप वगैरह था और सामान वामन तेल मिल वो सब बाहर ले गए। जो कुछ था कुछ सामान छत पे डाला छोड़ गए। लगभग कितने की चोरी हुई? लगभग 1.5 लाख रुपए की चोरी हुई।